अस्सलामु अलैकुम। तो भाई आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। क्यों? क्योंकि अब आपके पेपर हो गए हैं आसान और पेपर थोड़े जल्दी भी होंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिससे आपकी परसेंटेज अब अच्छी आ जाएगी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। तो एमी इंग्लिश सेंटर के साथ जुड़े रहोगे तो इंशाल्लाह इसी तरह से फ़ायदा होता रहेगा और आपको चीज़ें मिलती रहेंगी। अच्छा, ग्रुप में ऐड हो जाओ। ग्रुप के अंदर आपके पास जो है वो MCQs का बहुत सारा मटेरियल शेयर किया जा रहा है। तमाम सब्जेक्ट के MCQs हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ, पूरे पूरे PDF हैं, उसमें बहुत सारे MCQs हैं, तो आपको बहुत सारे MCQs सॉल्व करने के लिए मिल जाएंगे। MCQs टेस्ट भी है ग्रुप के अंदर, ग्रुप के अंदर MCQs PDF भी हैं और ग्रुप के अंदर बहुत सारा मटेरियल है। तो ज़रूर ऐड हो जाना। इजी पैसा नंबर आ रहा है, उसी पे 2000 रुपये फ़ीस है सालाना, पे कर देना। अच्छा, अब इधर आ जाओ, ज़रा बात करते हैं हुआ क्या है। नोटिफिकेशन आपको बराबर में चलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अंदर 9 पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि मैंने एक एक करके एक्सप्लेन करने हैं। वीडियो स्किप करोगे, बात समझ नहीं आएगी, पूरा साल परेशान रहोगे, ये बात पता नहीं चलेगी कि पेपर कब होने वाले हैं, ये बात समझ नहीं आएगी कि भाई करना क्या है, ये बात पता नहीं चलेगी कि MCQs कितने हैं, शॉर्ट कितने लॉन्ग। कुछ मिनट की वीडियो है, देख लो, ज़िंदगी आसान कर लो। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, जो कि आपके काम का तो नहीं है लेकिन समझाना ज़रूरी है, समझ लो। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 1, 2, 3 शैल बी ऑटोमेटिकली प्रोमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास। जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं ना, जो कि क्लास 1 से लेकर 3 में पढ़ रहे हैं, उनको नेक्स्ट क्लास में प्रोमोट कर दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? ये आपके काम की बात नहीं थी, ठीक है। अब अच्छा आ जाओ। द एग्जामिनेशन फ्रॉम क्लास 4 to 7 या 4 to 8 शैल आर कॉमेंस्ड फ्रॉम 1st April 2024 एंड शैल बी कम्प्लीटेड ऑन द बिफोर 15 April 2024। जो 6 से लेकर 8 तक के बच्चे हैं, उनके जो पेपर होंगे वो 1 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे, 1 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे और 15 अप्रैल तक ख़त्म कर दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि 15 अप्रैल के बाद हमारे जो हैं वो और क्लासेस के पेपर स्टार्ट होंगे। बात समझ गए? यहाँ पर मैंने 9th 10th नहीं कहा है और ना ही फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का है, मैंने कहा है 4 क्लास से लेकर 8 क्लास तक के जो बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के, उनके पेपर जो हैं 1 अप्रैल 2024 से शुरू होंगे और 15 अप्रैल 2024 को ख़त्म हो जाएंगे और 14 अप्रैल को मेरा बर्थडे आता है। चलो अच्छा, अब यहाँ पर आ जाओ। एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 8 and 10। अब ज़रा ध्यान से सुनो, बिल्कुल कानों को जो है वो मेरी तरफ मुतवज्जा कर लो। ये पहली बात समझ आ गई, तीसरा पॉइंट समझो। द एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 9 and 10th शैल कमेंस्ड फ्रॉम 17 May 2024। जो 9 वाले हैं और जो 10th वाले हैं, उनके जो पेपर हैं लिख के रख लो, 17 May 2024 से स्टार्ट होंगे। 17 मई 2024 से आपके पेपर होंगे, 9 और 10th की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल नहीं किया है और ना ही आपने खुद से समझना है, समझ गए ना बात? 9 और 10th के पेपर होंगे आपके 17 मई 2024। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप भूल जाते हो, इसलिए याद करा रहा हूँ, समझ लो। अब आप बोलोगे, सर ये कैसे हो सकता है कि 9 और 10th के पेपर बाद में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के पहले? हो सकता है, उसकी वजह बता दूंगा। द रिज़ल्ट ऑफ 10 शैल बी अनाउंस्ड ऑन 21st July 2024। हमारे जो मैट्रिक का रिज़ल्ट है वो सबसे पहले आएगा, जो कि आएगा 31 जुलाई 2024 को। 31 जुलाई 2024 को किसका रिज़ल्ट आएगा? मैट्रिक का। क्यों? क्योंकि इसके बाद आपके एडमिशन शुरू हो जाएंगे कॉलेजेस में, तो इंशाल्लाह इस बार ऐसा होगा कि कॉलेज के एडमिशन के टाइम पर आपके पास आपका मैट्रिक का रिज़ल्ट होगा, तो जिससे फिर आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि इस बार भी 1 अगस्त से क्लासेस शुरू हुई थी और जुलाई के 27 तक जो है वो आपके एडमिशन हो गए थे कॉलेजेस में, यानी उसका प्रोसेस कंप्लीट होने के करीब आ गया था। अच्छा, अब आ जाओ। द रिज़ल्ट ऑफ 9 शैल बी अनाउंस्ड आफ्टर 16 डे ऑफ द कमिटमेंट ऑफ रिज़ल्ट ऑफ क्लास 10। तो 60 दिनों के बाद, मैट्रिक के रिज़ल्ट के आने के 60 दिनों के बाद, यानी जैसे ही मैट्रिक का रिज़ल्ट आ जाएगा 31 जुलाई, उसके 2 महीने बाद इंशाल्लाह 9 का रिज़ल्ट भी आ जाएगा। तो 9 वालों को भी अब ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। अब आ जाओ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले जो कि बहुत देर से इंतज़ार कर रहे होंगे। द एग्जामिनेशन फॉर द क्लास 1st ईयर एंड सेकेंड ईयर शैल कमेंस फ्रॉम
20 अप्रैल 2024 से फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के पेपर शुरू होंगे। अब बच्चे ये बोलेंगे कि पहले किसका पेपर होगा, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, तो वो जब ही पता चलेगा जब टाइम टेबल आएगा, लेकिन ज़्यादातर उम्मीद ये होती है कि पहला पेपर फर्स्ट ईयर का ही होता है, ठीक है। तो भाई 20 अप्रैल से जो है वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। कब से स्टार्ट होंगे? 20 अप्रैल से। पहले एग्ज़ाम जो है वो 9 मैट्रिक का नहीं होगा, पहले एग्ज़ाम होगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का। उसके बाद अप्रैल के बाद मई आता है ना, तो फिर मई में एग्ज़ाम होगा 9 और मैट्रिक का। और ये आपके पास बिल्कुल नोटिफाइड है, यहाँ पर वेरीफाइड है, ये देख लो बराबर में चल रहा है। अच्छा, तो ये बात समझ में आ गई। अब आ जाओ यहाँ पर अगले पॉइंट पर, छठा पॉइंट द एग्जामिने छठा तो हो गया बल्कि सातवां पॉइंट द रिजल्ट ऑफ क्लास सेकंड ईयर यानी क्लास 12 शैल कमेंस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ क्लास सेकंड ईयर शैल कमेंस्ड ऑन 21st जुलाई। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है कि सेकंड ईयर का रिजल्ट भी 31 जुलाई को लिखा हुआ है और मैट्रिक का रिजल्ट भी 31 जुलाई को लिखा हुआ है। अब होपफुल हैं कि भाई दोनों एक ही साथ आ जाएं, कोई मसला तो नहीं है कि। और याद रखना, इंटर बोर्ड ऑफिस अलग है, मैट्रिक बोर्ड ऑफिस अलग है। यहाँ पर 31 जुलाई को मैट्रिक का रिजल्ट भी लिखा हुआ है। पॉइंट फोर पढ़ो तो लिखा हुआ है द रिजल्ट ऑफ क्लास 10 शैल बी अनाउंस्ड ऑन 21st जुलाई 2024। और यहाँ पर फिर आगे लिखा हुआ है, आठवें पॉइंट में लिखा हुआ है, सातवें पॉइंट में लिखा हुआ है द रिजल्ट ऑफ क्लास 12 शैल कमेंस्ड लिया जाएगा या अनाउंस किया जाएगा 31st जुलाई 2024। तो ये थोड़ा सा समझ से बाहर वाली बात है कि दोनों रिजल्ट एक ही दिन आएंगे, आज तक कभी ऐसा देखने को मिला नहीं है, लेकिन चलें हो जाएगा जुलाई में, यानी आ जाएगा आप लोगों का इंटर का रिजल्ट। क्योंकि अगस्त के अंदर आपके, अगस्त के बाद जो है वो NED के टेस्ट आ जाते हैं, तो इसीलिए NED का जब आप टेस्ट दे रहे होगे या NED में जब एडमिशन ले रहे होगे तो उस वक्त आपके पास आपका इंटर का रिजल्ट होगा इंशाल्लाह। क्योंकि बार बार 9 और फर्स्ट ईयर की बिहाफ पर एडमिशन देने से ऐसा हो रहा है कि बच्चे 9 में पास हो जाते हैं, मैट्रिक में फेल, फर्स्ट ईयर में अच्छे नंबर ले आते हैं, सेकंड ईयर में गलत बुरे नंबर ले आते हैं, तो जिसकी वजह से ये जो एडमिशन का सिस्टम है ये डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या किया जा रहा है कि चीज़ों को पहले और बाद में किया जा रहा है। अब आठवां पॉइंट देखो, द रिजल्ट ऑफ क्लास 11 फर्स्ट ईयर शैल कमेंस या अनाउंस आफ्टर 16 डे ऑफ कमिटमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ क्लास इंटर या 12। तो जब क्लास इंटर का रिजल्ट आएगा ना, उसके 60 दिन बाद क्लास फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ जाएगा। जैसे कि मैट्रिक में हुआ ना कि क्लास मैट्रिक का रिजल्ट आ रहा है, उसके 60 दिन बाद क्लास फर्स्ट ईयर का, तो यहाँ भी सेम है। आखिरी में लिखा हुआ है द क्वेश्चन पेपर विल कंटेन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसके अंदर जो है वो 60% डिस्क्रिप्टिव होंगे। डिस्क्रिप्टिव से मुराद ये नहीं है कि 60% लॉन्ग होंगे, डिस्क्रिप्टिव मुराद है शॉर्ट और लॉन्ग दोनों। तो इसकी ये लगा लो कि 20% आपके पास लॉन्ग होंगे, 40% शॉर्ट होंगे, ठीक है, और 40% आपके पास ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है MCQs बेस्ड क्वेश्चन, सब्जेक्टिव का मतलब होता है शॉर्ट लॉन्ग और क्वेश्चन, या डिस्क्रिप्टिव का मतलब भी यही होता है जो कि आपके पास ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है, ठीक है। तो जो आपके पास डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है वही आपके पास सब्जेक्टिव का मतलब भी आ रहा होता है। और ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है, देखो फिर इसको थोड़ा सा ठीक करो, मैंने आगे पीछे बोला है कि 20% ऑब्जेक्टिव होंगे, असल में ना शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मुझे मुश्किल हो रही है थोड़ी बहुत, ठीक है, तो इसको करते हैं। चलो, तो भाई 20% MCQs होंगे आपके पास, यानी ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, 20% आपके पास MCQs होंगे यानी ऑब्जेक्टिव होगा, 60% आपके पास डिस्क्रिप्टिव या सब्जेक्टिव होगा, जिसका मतलब है कि शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। इसको याद रखना अपने पास, इसको मत भूलना ज़िंदगी में। अब यहाँ पर ये बात समझो कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, इंटर वालों के पास, फर्स्ट ईयर वालों के पास इस वक्त बहुत कम टाइम है पेपरों के लिए। आँख बंद करोगे पेपर सामने होंगे। 6 महीने का हमारा होता है सेमेस्टर, पता ही नहीं चलता 6 महीने कहाँ गुजर जाते हैं, ठीक है। अभी जो ये मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ना, इसके बाद आपके पास इतना ही कुछ टाइम रह जाएगा, कम टाइम रह जाएगा बहुत, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो, जल्द से जल्द जितना से जितना हो सके पढ़ो सीखो। गैस पेपर को तो पूरी तरह याद कर लो, अपने पास सेव कर लो। गैस पेपर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, एक भी MCQs नहीं छूटना चाहिए।
गैस पेपर से तैयारी करोगे, कोर्स भी कवर होगा और भी चीज़ें कवर हो जाएंगी, इंशाल्लाह ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ, गैस पेपर को मत छोड़ना। एमी इंग्लिश सेंटर के गैस पेपर में 9th में भी बहुत अच्छे लगे, 10th में भी वो गैस पेपर बहुत अच्छे लगे, इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में भी वो गैस पेपर लगेगा। गैस पेपर कब अनाउंस होंगे तमाम मैं बता दूंगा, बस इंशाल्लाह एक दो हफ्ते में पूरे चीज़ें कंप्लीट होने वाली हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आओ, फर्स्ट 9 और मैट्रिक वाले बात सुनो मेरी। 9 और मैट्रिक वाले स्टूडेंट्स के पास थोड़ा सा टाइम ज़्यादा होगा, ठीक है। अप्रैल में हम सोच रहे थे 9 और मैट्रिक के पेपर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, उनके पेपर अब मई में चले गए हैं। तो अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, एक महीने का टाइम बस ज़्यादा मिल रहा है, तो इस टाइम को गनीमत जानना, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेना, गैस पेपर आखिर में सॉल्व करना। 9 और मैट्रिक वाले, फर्स्ट ईयर वाले, शुरू से ही गैस पेपर को सॉल्व करते रहो, शुरू से ही क्वेश्चन आंसर्स करते रहो, ग्रुप में ऐड हो जाओ, वहाँ पर ये तमाम चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। गैस पेपर आ रहे हैं, नोट्स आ रहे हैं, मॉडल पेपर आ रहे हैं, गाइडेंस आ रही है, सब कुछ वहाँ पे बता रहा हूँ। लाइव सेशन ले रहा हूँ, टेस्ट सेशन ले रहा हूँ, रिकॉर्डेड सेशन, न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। तो क्यों कर रहा हूँ? ताकि आप लोग आगे बढ़ सको। जिन लोगों ने हमारे 9 मैट्रिक से पढ़ा, उन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट निकाले हैं, तो आप लोग भी ऐड हो, ताकि आप लोगों के भी अच्छे रिजल्ट बन सकें। ये बात आखिर में कह रहा हूँ, शुरू में नहीं कही मैंने जानबूझ के। तो अगर कुछ समझना हो पूछना, मैं बता दूंगा। नोटिफिकेशन बहुत वाजे है, बहुत अच्छी, मतलब बहुत सिंपल वर्डिंग में, कोई मुश्किल नहीं है, बराबर में चल रहा है, देख लो, बात समझ में आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें।